चलिए फ्रेंड्स फटाफट से शकरकंद की बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाते हैं। व्रत में भी खा सकते हैं, नॉर्मली खा सकते हैं। इसके लिए मैंने इसको कुकर में एक सीटी दे करके इसको अच्छे से बॉईल किया है। उसके बाद मैंने इसको एयर फ्रायर में रखा है एक सीटी देने के बाद, जिसको मैंने 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। इससे ये क्रिस्प हो जाएंगे और इसका स्वाद बढ़ जाएगा। फिर मैंने एक नींबू का रस लिया है, उस नींबू के रस में मैंने सेंधा नमक डाला है, कोई भी नमक डाल सकते हैं। सेंधा नमक डालने के बाद उसमें मैंने जीरा पाउडर डाला है, अंदाज से डालिएगा आप अपने जितना आपकी रेसिपी है जीरा पाउडर। के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैंने अनार छील के रखा था, वो रख लिया है, वो बहुत अच्छा लगता है इस रेसिपी में। फिर मैंने इस जूस को ये क्रिस्प हुई शकरकंदी में डाल दिया है और अनार डाल दिया है। साथ में इसमें मैंने धनिया पत्ती, हरी मिर्च, सबसे इसको बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा चाट बनाया है। आप ज़रूर ट्राई करिए।